हेलो एवरीवन, लेट्स एजुकेशन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड है आपके मॉडल वर्ब से। तो इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होंगे मॉडल वर्ब से रिलेटेड। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लास्ट ईयर में जो एम पी एस आई की जो एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेस्ट गार्ड की जो हुई थी, इसके अलावा जो जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी, है ना, जेल प्रेरी की जो हुई थी, तो सभी में मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये चैप्टर देखना है। अभी आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है ग्रुप 4, उसके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपको अदर एग्ज़ाम में भी काम आएगा क्योंकि इंग्लिश में सभी में इंग्लिश एक जैसी होती है। ठीक है, अगर आप SI की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। अगर आप SSC की कर रहे हैं, आप संविदा की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है जो सभी में एक जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं कि ये इसका पेपर है, उसका पेपर है। यहाँ पे सब में एक जैसा, कुछ भी इंग्लिश मतलब इंग्लिश, इंग्लिश से मतलब A to Z आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए हैं, तो जिसमें आपको हिंदी के, इंग्लिश के और कंप्यूटर के, ठीक है, इन तीनों के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके लिए आपको एक पेमेंट करना होता है 100 रुपये का। ठीक है, जिसमें आपको 15 सेट हिंदी के, 15 इंग्लिश के और 10 सेट कंप्यूटर के उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप, मैं नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9977651282। यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं या आप संविदा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, तो वो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही अर्न गुड लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब ये जो है ये आदमी हार्डवर्क करता है। अच्छा, क्यों करता है? क्योंकि ये अच्छा जीवन जी सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा क्या, मैं। ठीक है, जब भी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि ही वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करता है, तो मैं इससे पूछूंगा कि क्यों करता है, क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी निकले। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हार्ड वर्क करने का ऑब्जेक्ट, वो ये है कि गुड लाइवलीहुड इसके लिए। तो इसलिए यहाँ पर हम इसमें क्या लगा देंगे, मैं। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न गुड लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप यहाँ पर लगाएंगे मैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अगर इसमें वर्क्स जो लिखा है इसकी जगह अगर वर्कड होता, क्या होता, वर्कड, तो ऐसे केस में ये जो मैं है इसकी जगह मैं क्या लगा देता, माइट। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्क्स की जगह वर्कड होता तो मैं की जगह लगा देता माइट। चलिए अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि शी प्रेड दैट गॉड ब्लैंक ब्लेस यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कभी भी आपको किसी को बोलना है तो हम बोलते हैं गॉड मे ब्लेस यू या मैं गॉड ब्लेस यू, इस टाइप से हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है प्रेड, तो जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे मैं लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे हम लगाएंगे माइट। माइट इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रे हो रही है और दूसरी बात कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए हम मैं की जगह क्या लगा देंगे, माइट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। लिखा है आई सेड दैट आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, एबिलिटी। तो जब भी कभी हम एबिलिटी बताते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूँ, मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं क्या, कैन। ठीक है, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर चूँकि कैन यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका सेड। तो जब भी कभी आपके पास सेड आता है तो सेड जो है वो एक पास्ट फॉर्म है, और अगर ये पास्ट फॉर्म है तो ऐसे केस में हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कैन के प्लेस पर कुड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कुड। ठीक है, अगर ये पास्ट फॉर्म नहीं होता और ये सेंटेंस यहाँ से चालू होता आई, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेट था इसलिए मैंने कैन के प्लेस पे क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया कुड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। आई रीड विदाउट ग्लास। ठीक है, तो आई रीड विदाउट ग्लास, आई कैन रीड विदाउट ग्लास, मैं बिना चश्मे के भी
पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे केस में हम क्या कराएंगे लगाएंगे यहाँ पे, आई कैन रीड विदाउट क्लास, बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ। ये भी एक एबिलिटी है, जब बिना चश्मे के पढ़ना एक एबिलिटी है। जैसे कि मैं बिना चश्मे के मैं पढ़ तो सकता हूँ, मेरे को दूसरी जैसे दूर से कोई आ रहा है तो वो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है विदाउट ग्लासेस के, तो ये भी एक एबिलिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, वी रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, तो हमें हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए, और चाहिए के लिए यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, ओट टू। तो इसका सही जवाब होगा वी ओट टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छः, इसमें लिखा है जूली नॉट टॉक टू बबीता। ठीक है, जूली जो है उसको बबीता से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता है जूली बबीता से बात नहीं कर सकती, यहाँ पे ऐसा कुछ एबिलिटी नहीं है बात करना। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है, जूली जो है वो बबीता से बात नहीं कर मतलब उसको बबीता से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नीड की। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सर नीड लगाएं या फिर नीड्स लगाएं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए जूली है, तो आप ऐसा मत सुनेंगे जूली के हिसाब से वर्ब में एस आएगा, वर्ब में एस आता है पर अगर ये नॉट नहीं होता, और चूँकि यहाँ पर नॉट है तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है आपकी टॉक, तो यहाँ पर जो आएगी वो आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कभी भी हम एस नहीं लगाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नीड। तो जॉली नीड नॉट टॉक टू बबीता। क्वेश्चन नंबर सात, बबीता सेड दैट राखी श्योरली पास द एग्ज़ाम। बबीता सेड दैट राखी श्योरली पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्म आ रही है सेड, जो कि एक पास्ट फॉर्म है, और आपको अच्छे से पता है कि जब भी कभी यहाँ पास्ट होता है तो पीछे भी कौन सी फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम जो है पास्ट फॉर्म लगाएंगे किसकी, विल की, विल का सेकेंड फॉर्म वुड। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि बबीता सेड दैट राखी वुड श्योरली पास द एग्ज़ाम। अगला क्वेश्चन आठवां देखिए, यू हैव इन्फॉर्म्ड मी द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। तो यही बोल रहा है कि तुमको एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, चाहिए का सेंस कौन सा आ रहा है, कैन नहीं होता है, कुड भी नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा शुड। तो ये बोल रहा है कि यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन ही वॉज यंग ही रन 50 किलोमीटर इन अ डे। अब यहाँ पर वापस से हम पढ़ते हैं ही रन 50 किलोमीटर इन एन आर। ठीक है, इन एन आर, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक घंटे में 50 किलोमीटर चलना जो है वो क्या है, एक एबिलिटी है। और अगर ये एबिलिटी है तो ऐसे केस में व्हेन ही वॉज यंग, तो ये बात कब की कर रहा है, पास्ट की, जब वो जवान था, तो ऐसे केस में वो एक दिन में एक घंटे में कितना चलता था, 50 किलोमीटर। तो ये एबिलिटी है, और चूंकि यहाँ पे वॉज है तो ऐसे केस में मैं कैन की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा कुड। अब ये नहीं होता वॉज तो मैं यहाँ पे कैन लगा देता। अगला क्वेश्चन देखिए दसवा, यहाँ पर लिखा है दे प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट। अब यहाँ पे देखिए वापस से कौन आ गया, सो दैट हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बताने में। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर दे प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट, तो ऑब्जेक्ट बताने में हम यूज़ करते हैं किसका, मे का। तो यहाँ पर फाइनली ऑप्शन हो जाएगा आपका मे, दे प्रैक्टिस रेगुलरली सो दैट दे मे विन द मैच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्यारहवा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे सामने वाला आपके लिए ब्लेस कर रहा है, गॉड हेल्प यू, और जब ब्लेस करता है कोई तो वहाँ पर हम लगाते हैं मे, तो मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। आगे बात करते हैं बारहवें क्वेश्चन की, तो ही विन द मैच। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये सेंटेंस जो है वो कैसा है, विन द मैच, मैच का जीतना। यहाँ पे समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है किसको, पॉसिबिलिटी को। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, अब ये संभावना को बता रहा है, तो संभावना के केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि जब भी कभी पॉसिबिलिटी का सेंटेंस होता है, जैसे कि मैच का जीतना, बारिश का होना, तो ऐसे केस में अगर ये सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में होते हैं ना, तो इनमें हम लगाते हैं क्या, कैन। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम लगाते हैं कैन, और अगर ये पॉजिटिव में होते हैं संभावना वाले, तो फिर हम लगाते हैं मे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ही विन द मैच, ये सेंटेंस कैसा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग में वह पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा कैन ही विन द मैच, क्या वो मैच जीत सकते हैं। तो मैच का जीतना क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि ही विन द मैच। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ही विन द मैच, वो मैच जीत सकते हैं, ये सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव।
और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ही मे विन द मैच, ठीक है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो ऐसे केस में मे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, ही नॉट विन द मैच, ठीक है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया और मैच का जीतना, तो इसका मतलब आपको पता है, अभी मैंने रूल बताया था, तो आपको यूज़ करना है कैन, ही कैन नॉट विन द मैच, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि यू लाइक टू टेक टी, ठीक है, यू लाइक टू टेक टी। तो इसमें यहाँ पर एक तरह से सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो ऐसे केस में हम लगाएंगे वुड, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। तो ऐसे केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा वुड। कभी भी जब हम किसी से एक तरह से फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या आप बटन बंद कर देंगे प्लीज़, तो मेरे को बोलना पड़ेगा वुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द स्विच। किसी मेरे को बोलना है कि क्या बटन चालू कर देंगे, मेरे को बोलना पड़ेगा वुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द स्विच। गॉट इट? सो यहाँ पर कभी भी जब आप किसी से इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा वुड। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, यू कट योर नेल, तो हम जनरली सामने से बोलते हैं कि यू आपको आपके नाखून काटने चाहिए, और यहाँ पे सेंस आ रहा है आपका चाहिए, सो वी आर यूजिंग शुड इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यू शुड कट योर नेल। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन दिस क्वेश्चन द ही ब्लैंक टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब यहाँ पर मीनिंग कैसा निकल रहा है कि उसको उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, वापस से चाहिए सेंस आ रहा है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे शुड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ओबे द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हमको रूल्स जो हैं ट्रैफिक के, उसका ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए, वापस से चाहिए सेंस आ रहा है, आप शुड लगा दो। जब भी कभी चाहिए सेंस आता है तो शुड, मस्ट, ओट टू में से जो भी ऑप्शन हो वो हम लगा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, गांधी जी स्पिन, बस इतना सा लिखा है। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, और जब भी कभी हम पास्ट की बात करेंगे वहाँ पर हम यूज़ का यूज़ करेंगे, यूज़ टू, गांधी जी यूज़ टू स्पिन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब यहाँ पे एक रूल होता है, कंजक्शन होता है एक, लेस्ट शुड, तो उससे आपका काम हो जाएगा। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर लेस्ट आता है तो आपको वहाँ पर लगाना रहेगा शुड, आपको ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाएँ, ठीक है। तो आपकी एग्ज़ाम भी बहुत पास में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियो आपके लिए लेके आऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।